तो गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मालवा एकेडमी इंदौर में। आज का अपना सेशन वहीं से शुरू होगा जहां से पिछली क्लास में हमने छोड़ा था। तो इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने मालवा एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल को ताकि हम जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। तो आ जाओ साथियों, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। गुड इवनिंग भाई। तो देखो, अभी तक हमने देखा था कि एमपी में हॉर्टिकल्चर स्कीम्स कौन कौन सी है, क्या क्या उनका बजट है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या प्रोडक्शन स्टेटिस्टिक्स है, मतलब कि कौन सी फसल का उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कहाँ पे है, कौन सी फसल में हम टॉप प्रोड्यूसर है, मतलब कि देश में अग्रणी है, लीडिंग स्टेट है, तो वहीं पे हमारा क्या स्टेटस है, क्या रैंक है। तो इस सेशन को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या क्या देख चुके हम अभी तक? पहले हमने कुछ फूड प्रोसेसिंग पार्क देखे थे, फूड प्रोसेसिंग स्कीम्स देखी थी। अच्छा, फिर कुल प्रोडक्शन एरिया, अच्छा ये तो हो गया था। अच्छा तो देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है अपना, क्या है सामने, पढ़ो इसे। मतलब कि विच मेडिसिनल क्रॉप कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट अमंग द टोटल मेडिसिनल आउटपुट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के कुल औषधीय उत्पादन में किस औषधीय फसल का सर्वाधिक योगदान है। पहला ऑप्शन है आपका अश्वगंधा, दूसरा है सफेद मूसली, तीसरा है इसबगॉल और चौथा है कोलियस। तो इसका मुझे आंसर दो कि हम उत्पादन में किसके लिए अग्रणी है, मतलब कि किस फसल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, किस औषधीय फसल का। फिर मैं इससे रिलेटेड आपको डाटा बताऊंगा कि भैया वो एरिया में क्या हमारी पोजीशन है, प्रोडक्टिविटी किस फसल की है। तो इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताओ। क्या वो अश्वगंधा है? अश्वगंधा का नाम तो आपने सुनी रखा होगा, सफेद मूसली का भी सुना होगा, इसबगोल का भी सुना होगा। इनके मेडिसिनल यूज देख लेना कि इसबगोल कैसी है, डाइजेस्टिव पर्पज से, थोड़ी लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है, अश्वगंधा मेडिसिनल। अच्छा, विनीत कुमार जायसवाल, जय हिंद सर, जय हिंद भाई, जय हिंद। फटाफट सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना, चैनल शेयर कर दो। गुड इवनिंग सर, हमारे अन्नदाता। अच्छा तो देखो भाई, इसका क्या होगा आंसर, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस मेडिसिनल क्रॉप का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर है आपका अश्वगंधा। माने कि अश्वगंधा प्रोडक्शन में सारे मेडिसिनल क्रॉप में मध्य प्रदेश में टॉप पे है। तो सेकंड पे कौन सा है, तो इसका ऑर्डर देख लो, अश्वगंधा, उसके बाद है आपका सफेद मूसली और फिर है आपका इसबगोल। किसमें है ये, एरिया, एरिया में। तो एरिया की बात करें तो अश्वगंधा। अब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या आएगा आपका, आएगा इसबगोल, मतलब इसबगोल, सफेद मूसली और अश्वगंधा। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसबगोल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। बताया था तुमको पिछली क्लास में, इस क्वेश्चन का आंसर है भाई इसबगोल। यहां क्योंकि उत्पादन की बात करिए, एरिया की बात नहीं करिए, एरिया की बात करें तो अश्वगंधा आएगा। ठीक है, हमारे अन्नदाता ए कुणाल दांगी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। देखो क्या आएगा इसका आंसर, इसबगोल आएगा। ये जो डाटा है ये एरिया का डाटा है, मतलब एरिया में अश्वगंधा का एरिया मध्य प्रदेश में टॉप पे क्रॉप में, मेडिसिनल क्रॉप में, और वहीं पे प्रोडक्शन में फर्स्ट पे है इसबगोल। और जो आपका पिछली क्लास में मैंने बताया था कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप पे है, तो कौन सा है, मंदसौर है इसबगोल प्रोडक्शन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका विच स्पीसीज, मतलब विच स्पाइसेस इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर लार्जेस्ट एरिया कवर अमंग ऑल द स्पाइसेस ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के सभी मसालों में सबसे बड़े क्षेत्रफल के लिए कौन सा मसाला योगदान दे रहा है। पहला ऑप्शन है आपका कोरिएंडर, यानी कि धनिया, दूसरा है गार्लिक लहसुन, तीसरा है आपका रेड चिली लाल मिर्च और चौथा ऑप्शन है आपका जिंजर या अदरक। तो स्क्रीन पे जो ऑप्शन हो रहे हैं उसमें बताओ कि कौन सा मसाला है जिसका हाईएस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में। तो कमेंट करते रहो, लगातार सेशन से जुड़े रहो, आखिरी में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं।
इसके बाद फिर हम प्रोडक्शन की बात भी करेंगे। हमारे अन्नदाता ए, सचिन बमोरिया सी, चलो देखते हैं किसका होगा सही आंसर। और कोई भाई? ज्योति मीना सी, अच्छा रेड चिली, करते हैं अपन इसकी बात भी क्या होगा, फटाफट करो आप लोग ताकि हम आज के सेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कर सके कवर। तो आओ डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो उसने क्या पूछा है, पूछा है अपने से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट पे क्या है, तो आपको मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बताऊं तो उसका ऑर्डर है आपका क्या, धनिया मतलब कोरिएंडर टॉप पे, उसके बाद क्या है, कोरिएंडर के बाद है आपका गार्लिक यानी लहसुन, और फिर थर्ड पे आपकी चिली, ठीक है, कौन सी, रेड चिली। और यदि रेड और ग्रीन चिली को हम मिक्स कर दें तो गार्लिक के प्रोडक्शन के बराबर दे देती है। तो यदि सेकंड पोजीशन में आपको गार्लिक नहीं दिखे आंसर में एरिया के हिसाब से तो हमें रेड चिली लगाना है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, एरिया के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन किसकी आएगी, धनिया की, यानी कोरिएंडर टॉप पे है, लेकिन यदि प्रोडक्शन की बात करें हम तो गार्लिक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है आपकी चिली का, और उसके बाद होता है आपका अदरक का, जिंजर। देख लो भाई, हो तो इसे नोट कर लो, काम की चीज है। क्या है, एरिया में धनिया सबसे आगे है, लेकिन प्रोडक्शन में वहीं पे गार्लिक है, और चिली कहाँ है आपका, सेकंड पोजीशन पे। विनीत कुमार जायसवाल, जय हिंद साथियों। ओके भाई जय हिंद, बाद में कर लेंगे, अभी पढ़ लो थोड़ा शांति से, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, कोरिएंडर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, विच फ्रूट क्रॉप ऑक्यूपाइज सेकंड पोजीशन इन प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के हिसाब से दूसरे स्थान पर है, टोटल आउटपुट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि इंडिया की बात नहीं करी गई, यहां बात करी गई कि मध्य प्रदेश का जो टोटल फुल क्या फ्रूट का अपना प्रोडक्शन है उसके अंदर सेकंड पोजीशन कौन से फ्रूट की है, मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन में किस फल की फसल का दूसरा स्थान है। ऑप्शन है आपका सिट्रस, सेकंड है मैंगो, थर्ड है बनाना, और फोर्थ है आपका गुआवा। इस क्वेश्चन का कमेंट करो आंसर क्या होगा। ये क्या चल रहा है, फायर वगैरह करो भाई करो, स्क्रीन पे जो ऑप्शंस हो रहे हैं उसमें बताओ, मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन में किस फल की फसल का दूसरा स्थान है। हमारे अन्नदाता ए, चलो सही आंसर, और बताओ कौन होगा, दूसरा पूछा है सर, कंफ्यूज ना हो, दूसरा पूछा है, पहले की बात नहीं करी जा रही ना, तीसरे की बात कर रहे। अच्छा मैंगो, ओके और बताओ, प्रोडक्शन की बात करी है, एरिया वगैरह की नहीं करी ना, प्रोडक्टिविटी की करी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फटाफट ऑप्शन देख के आंसर मत बताओ, क्या आएगा। क्या होगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन में किस फल की फसल का दूसरा स्थान है। तो आओ डिस्कस करते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो दूसरे स्थान की यदि बात करें प्रोडक्शन के हिसाब से तो उसका आंसर आएगा आपका बनाना, मतलब कि केला उत्पादन द्वितीय स्थान पे। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे आपका प्रोडक्शन में साइट्रस है, और सेकंड पे बनाना, और थर्ड पे आपका है गुआवा। अब मुझे कोई एरिया के बारे में बताएगा, यदि एरिया के हिसाब से पूछ ले, मतलब पूछ ले कि एरिया में फर्स्ट पे कौन सा फ्रूट है, बताओ क्या होगा, क्या वो मैंगो होगा, बनाना होगा, या तो फिर गुआवा होगा, करो कमेंट। देखो एरिया के हिसाब से साइट्रस जो है वो ही टॉप पे, लेकिन यहां पे बनाना की जगह आएगा आपका मैंगो, और फिर आपका आएगा गुआवा। क्लियर है, मतलब मैंगो का एरिया बनाना से ज्यादा है और प्रोडक्शन बनाना का ज्यादा है। कोई मुझे बताएगा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बनाना प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का। बताओ भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बुरहानपुर का नाम सुना है। अच्छा बुरहानपुर, विनीत कुमार जायसवाल, हाँ भाई बुरहानपुर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है अगला क्वेश्चन, विच वेजिटेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि भैया फल के अंदर एरिया में कुछ और है, प्रोडक्शन में कुछ और रैंक है, तो अब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कौन सी वेजिटेबल है जिसका मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन है। मतलब एक ही फसल है, आपकी सब्जी एक ही है जो प्रोडक्शन में भी टॉप पे है और एरिया में भी टॉप पे। आगे पढ़ो तो ऐसी सब्जी का नाम बताना है। क्या है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन में योगदान देने वाली कौन सी सब्जी है? पोटेटो है, आलू, या तो टमाटर है, या ऑनियन है, प्याज, या तो ग्रीन पी है। इसका आंसर तो क्या होगा हमारे अन्नदाता, पोटेटो। पोटेटो विनीत कुमार जायसवाल। और कोई भाई, तीन ऑप्शन और बचे हैं, बता दो कोई। अच्छा पोटेटो आ रहा है आंसर, ओके। अंतर सिंह मसानिया पोटेटो। चलो भाई डिस्कस करते हैं क्या होगा, देखते हैं, चलते हैं आगे चलते हैं ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज कवर हो, आज का सेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आगे चलो। पोटेटो और कोई, बी के नवरत्न पोटेटो, बी के नवरत्न पोटेटो। और बताओ, देखो यदि मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो इसका ऑर्डर है पीओजी, ओपीजी। अच्छा कमेंट क्या आया, नया कमेंट पोटेटो। तो सब लोग मध्य प्रदेश के हिसाब से तुम क्या हो, गलत हो, पोटेटो बोलने वाले जितने हैं ध्यान दो। प्रोडक्शन की मैं बात करूं और एरिया की बात करूं, राइट, पोटेटो। देखो क्या था ऑर्डर, ओपीसी और ओपीजी, ऐसा याद रखना। क्या रखोगे, यदि प्रोडक्शन की बात करो तो हम ओनियन है फर्स्ट पे मध्य प्रदेश में, फिर पोटेटो है, और फिर है आपकी ग्रीन पी। किसमें है ये, किसमें है, प्रोडक्शन में, और एरिया में ओनियन, फिर आपका, और ये आपका कॉलीफ्लावर, ठीक है, पोटेटो। तो मतलब सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ग्रीन पी और कॉलीफ्लावर। तो चले अगले क्वेश्चन पे। देखो एक एक्ट है, देखो क्या हुआ था, जब सुगर क्रॉप को अपन क्या समझते हैं, एक कॉमर्शियल क्रॉप है, और जब किसी कॉमर्शियल क्रॉप की हम बात करते हैं तो उसके लिए कुछ ले एक्ट बनते हैं, कुछ रेगुलेशन बनते हैं, कुछ रूल्स बनते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि एमपी का जो सुगर केन, क्या रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेस, मतलब उसको रेगुलेट करना सप्लाई और परचेस को, किस ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था, मतलब मध्य प्रदेश का गन्ना आपूर्ति खरीद अधिनियम का विनियमन वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? 1951, 1954, 1958 या 1963? आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसमें बताओ। बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट, क्या होगा, क्या 1951 है या 54 है? किसकी बात करिए, गन्ना की। 1954 हमारे अन्नदाता, हमारे अन्नदाता बी बी। अच्छा देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो जो मध्य प्रदेश का सुगर रेगुलेशन एक्ट है वो आया था आपके 1958 में। कब आया था, 1958 में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि गन्ना उत्पादन में कौन सा ऐसा स्टेट है मध्य प्रदेश का जो अग्रणी है, क्योंकि गन्ना की, शुगर की आजकल काफी बात करी जा रही है। तो आप लोग बताओ कि शुगर केन प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लीडिंग है। हमारे अन्नदाता, नाइस क्वेश्चन सर, थैंक यू भाई, थैंक यू, बस इन्हें याद करना, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। बताओ क्या होगा इसका आंसर, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कौन सा स्टेट मध्य प्रदेश में अग्रणी है शुगर केन प्रोडक्शन में। अच्छा देखो स्टेट की बात करूं तो स्टेट है आपका कौन सा, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा एमपी की जैविक कृषि नीति,
एमपी की जैविक कृषि नीति फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, मतलब कि जैविक कृषि नीति किस वर्ष में बनाई और लागू की गई थी, कहां की, एमपी की, 2011, 2012, 2014 या 2017, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन भेजो, बताओ। अच्छा यूपी बीके में, अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा, एमपी की जैविक कृषि नीति। ये क्या थी, पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने जैविक कृषि नीति लाया था। इसी नीति के अंतर्गत बताया जाता है कि भैया किस कितने साल तक उसे पेस्ट फ्री होना चाहिए, कितने साल तक इंसेक्टिसाइड से फ्री होना चाहिए उस क्रॉप को, तो आप उसे प्रमाणित करोगे कि वह जैविक एरिया में आता है। जैसे जो फॉरेस्ट लैंड है आपकी, उसे माना जाती है कि जैविक कृषि में आता है। लेकिन यदि मैं एक फील्ड को बोलूं कि आप आज तक सिंथेटिक फार्मिंग कर रहे थे लेकिन कल से आपके दिमाग में आए कि उसे जैविक बनाना है, तो ऐसा नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 साल या 4 साल। तो इस तरीके से जो पूरे एक्ट है, पूरे रेगुलेशन है, तो उसके लिए एक नीति बनाई गई थी, तो आपको वो बताना है कि कौन से सन में वो नीति आई थी। करो कमेंट करो, सचिन बामोरिया ए, आओ भाई डिस्कस करते ए, और कोई, अच्छा इसी से एक रिलेटेड टर्म तुमने और सुनी होगी, मैंने तुमको पिछले सेशन में बताई थी, कौन सी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो नमसा स्कीम पढ़ाई थी मैंने, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें बताया था भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो पहले देख लो। अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा, ए। चलो डिस्कस करते, जो आई थी जैविक कृषि नीति मध्य प्रदेश की, वो आई थी आपके 2011 में, और 2012 में मैंने पिछले सेशन में बताया था कौन सी नीति आई थी, तो वो आई थी आपकी एमपी की फार्म प्रोडक्शन नीति एंड मैनेजमेंट, और 2014 में आपकी उद्योग संवर्धन नीति। इस क्वेश्चन का आंसर है 2011, हाईलाइट कर दिया भाई एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले कुछ चीजें देख लो, जैसे लास्ट ईयर में जो एमपी का जैविक प्रोडक्शन हुआ है कितना हुआ है, 14 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, और कितना एरिया कवर्ड है एमपी में, तो 16 लाख हेक्टेयर। लेकिन इसी से एसोसिएटेड टर्म में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ऐसी पद्धतियां जो हम जैसे गोबर गैस बनाने की पद्धति चला रहे हैं, या तो कुछ हमारी पौराणिक पद्धति है उनके बेस पे जो कृषि कर रहे हैं, उसके अंदर एरिया कवर है कितना, 99,000 हेक्टेयर, और इसमें हमारी रैंक है सेकंड, फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश, और जैविक कृषि में एमपी की कितनी रैंक है, फर्स्ट। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, यदि वो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की बात करें तो उसमें अपनी पोजीशन एरिया के हिसाब से सेकंड है, लेकिन एमपी के जैविक प्रोडक्शन और एरिया में हमारी रैंक कितनी है, फर्स्ट। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं। अच्छा देखो क्या है, अब क्या होता है कि जब कोई सब फर्टिलाइजर है आपके, केमिकल है, तो इन केमिकल में क्या, पूरे इंडिया के लिए एक ही ऑर्डर, एक ही रूल है, तो हम 2-4 रूल वो देखेंगे जो इंडिया के लिए है, और चूंकि ये हमारे स्टेट में भी लागू होते तो हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री इन विच ईयर, यानी कि उर्वरक नियंत्रण आदेश पूरे देश में किस वर्ग में लागू होता है, 1980, 1985, 1966 या 1963। करो इसका आंसर करो। देखो क्या होता है, जब फर्टिलाइजर वगैरह हम करते हैं तो उसके ग्रेडिंग के लिए कि कितना उसके अंदर यूरिया होगा, यूरिया के अंदर कितना नाइट्रोजन होगा, यदि उससे कम होगा तो क्या उसके प्रोविजन है, किस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, किस फर्टिलाइजर के साथ कौन सा फर्टिलाइजर हमें मिक्स करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, फर्टिलाइजर ही यील्ड डिसाइड कर रहा है, और जहां पे यदि यील्ड डाउन होगी तो पूरे नेशन के लिए खतरा होगा, तो उसी की सारी बात करी गई है आपके किसमें, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में। तो आपको यह बताना है कि कौन से सन में इंडिया का फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आया था, 1980, 85, 66 या तो 63। तो फटाफट आप लोग कमेंट करो, सचिन बमोरिया बी सर 1980। अच्छा देखते हैं भाई क्या होगा, और कोई कमेंट करो, 1980 पहला ऑप्शन है इसलिए तो नहीं उठा लिया, हेमंत लोवंशी ए। हाँ भाई डिस्कस करते हैं, देखो ऑप्शन थोड़े से आप लोग डिविएट हो गए हो, 1980 नहीं, इसका आंसर है आपका कितना, 1985, मतलब पूरे भारत सरकार का जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है वो आया था आपका 1985 में। आगे चलते हैं, क्या है, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 1963, 1966, 1972 या 1978। यहाँ इस बात पे गौर करना कि ये है सेंट्रल, है केंद्रीय बीज प्रमाणिक बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड है जो बीजों को सर्टिफाइड करता है, लेकिन यहीं से चीजें निकलती है कि किन बेसिस पे सर्टिफाई करता है, कौन से एक्ट है, कौन से रूल है, पर ये सर्टिफाइड करने वाली एजेंसी है। तो इसका मुझे ऑप्शन बताओ कि सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड कब आया था हमारे अंदर। अच्छा सचिन बमोरिया सी सर 1972 में,
अच्छा देखते हैं भाई, और कोई फटाफट आप लोग कमेंट कर दो, क्योंकि सीट सर्टिफिकेशन करने के लिए पूरे कंट्री में कोई सी एक बॉडी चाहिए होगी जो पूरा रेगुलर। अच्छा 1966 आ रहा है, चलो देखते हैं इसे भी क्या है, 1966 1963 क्या है, 1972 1978 सबको देखेंगे, आप लोग बस कमेंट करते रहो। और कोई? अच्छा रामकृष्ण यादव सी 1972, लगभग आप लोग सही जा रहे हो। चलो डिस्कस करते हैं आगे क्या होगा। देखो जो हमारा सेंट्रल सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड है, ऐसा बोर्ड जो केंद्र सरकार का है जो सीटों को सर्टिफाई करता है, वो आया था आपके 1972 में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका 1972। लेकिन यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि जो मध्य प्रदेश का सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो कब आया था बोर्ड, क्योंकि राज्य स्तर पर भी तो सीटों को प्रमाणीकरण करने की जरूरत होगी, तो वो बोर्ड कब आया था कोई जानता है? आप में से जानता है कब आया था? देखो जो आपका मध्य प्रदेश का सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो आया था आपके 1980 में, ठीक है, और जो आपका सेंट्रल सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड है 1972 में, और जो आप लोग 1966 66 कर रहे हो ये आपका सीड एक्ट है, भली बात ही आप लोग जानते होंगे। और यहीं से एक चीज आती है सीड रूल की, सीड रूल वो आया था आपका 1968 में, और ये जो 1963 है इसमें आई थी आपके एनएससी। क्या है एनएससी, कोई फुल फॉर्म बताओ एनएससी का क्या होगा, पता है किसी को? कमेंट करो एनएससी का फुल फॉर्म क्या है। एनएससी एक ऐसी बॉडी है जो पूरे सीट सर्टिफिकेशन या जो आपका है उसको रेगुलेट करती है, ये आई थी 1963 में। कब आई थी ये 19? अच्छा नेशनल सीट कॉर्पोरेशन। अच्छा देखो और ये टैग वगैरह देख लो एक बार कि कौन से टैग होते हैं, जैसे आपका ब्रीडर सीट है उसका येलो कलर टैग होता है, फाउंडेशन मतलब एकदम बेसिक है, जैसे बोर्ड का कलर व्हाइट है क्यों लिया, क्योंकि फाउंडेशन लिया है तो बेसिक है, फिर उसके बाद रजिस्टर का पर्पल है, और जो ब्लू कलर में लास्ट वाला बीसी वाला सर्टिफाइड वाला, ठीक है आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड रूल वॉज नोटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्र का कीटनाशक नियम अधिसूचित किया गया था, 1968 1971 1978 या 1984, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड रूल कब आया था, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट नहीं है वो, ठीक है रूल है वो, तो रूल के हिसाब से बताओ क्या होगा इसका आंसर। सब बी सच। अच्छा 1971। और कोई भाई, क्या 1968 में आया था, 78 में आया था, 84 या 71 कब आया था? बी सचिन बमरिया, बी हमारे अन्नदाता बी। तो देखो और कोई कर दो फटाफट कमेंट, नहीं बोलना कि टाइम नहीं देते सर। अच्छा देखो क्या होगा, जो आपका सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो आया था आपका 1968 में, और जो रूल है आपका रूल आया था 1971 में, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी। क्या होगा बी, मतलब रूल पूछा जाए तो रूल आएगा 1971 में, और यदि आपसे एक्ट पूछा जाए तो बताना है कब आएगा, 1968 में। इसी के बेसिस पे कुछ इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि आपके जो इंसेक्टिसाइड है उसके ऊपर कौन सा कलर लगाओगे, तो यहाँ पर से ध्यान देने वाली ये बात है कि क्या है कि इसके अंदर एक कलर आपका ब्राइट येलो और एक ब्लू कलर है, ठीक है हमेशा ये ध्यान में रहता है कि भैया यदि रेड कलर है तो हमें टॉक्सिक बता देता है, हाईली टॉक्सिक, लेकिन हाईली टॉक्सिक में कौन सा येलो कलर है आपका। अब इसका प्रश्न, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हो गया वो, देखो आगे देखो, मध्य प्रदेश कॉटन कंट्रोल एक्ट एंड मध्य प्रदेश कॉटन स्टैटिक्स एक्ट इंप्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर, मतलब कि मध्य प्रदेश का कपास नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश का कपास सांख्यिकी अधिनियम वर्ष किस में लागू हुआ। अब क्योंकि क्या हुआ कि मध्य प्रदेश भी उस वक्त थोड़ी ज्यादा उगाई जाती, मध्य प्रदेश में कॉटन उस वक्त बहुत ज्यादा उगाया जाता था, कब की बात है, थोड़े साल पहले की बात है, अब तो धीरे धीरे इसका एरिया डाउन हुआ है, तो हमें उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना, जैसे सुगर केन के लिए एक स्पेशल एक्ट की हमने बात करी उसी की तरह से कॉटन के लिए भी एक एक्ट बना, तो हमें यह बताना है कि उसका जो कंट्रोल का एक्ट है वो कब आया, साथ ही साथ एक और एक्ट है कौन सा स्टैटिक्स एक्ट वो कब आया था, आंसर करो भाई कमेंट में। फिर हम देखते हैं कौन सा। अच्छा इसके बाद कॉटन के एक दो क्वेश्चन और मैं लेके आया हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। बी अच्छा
देखो क्या हुआ था, जब स्टेटिक्स की बात करें तो पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो डाटा कलेक्ट किया जाता है मतलब कि पहले सन कौन सा आएगा, छोटा वाला सन आएगा, तो कौन सा है 1947। उसके बाद 1954 है, उसके अंदर आया था आपका कौन सा, कॉटन कंट्रोल एक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है, देखो यहां से एक और बात निकलती है, सुना होगा आपने कॉटन के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट पे, एरिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत वेरी होती रहती, क्योंकि कभी कभी किसी स्टेट में ज्यादा इंसेक्ट डिजीज वगैरह आ जाते हैं, बॉलवर्म वगैरह सुना होगा, फसल को पूर्ण रूप से तबाह कर देती है, तो ऐसी तरह तरह की डिजीज आती है, तो इसका एरिया और प्रोडक्शन थोड़ा बहुत वेरी करते रहता है। तो लेकिन प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, एरिया की बात करूं तो एरिया महाराष्ट्र में गुजरात से ज्यादा है, और जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में महाराष्ट्र से ज्यादा है। तो प्रोडक्शन में गुजरात है और एरिया में महाराष्ट्र है, और प्रोडक्टिविटी राजस्थान की। ठीक है, और क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो आएगी आपके लगभग कितनी है, 466 केजी पर हेक्टेयर तक। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ बताओ भाई, मध्य प्रदेश हैविंग द पैचेस ऑफ ब्लैक सॉइल, तुमने सुना होगा कि जो काली मिट्टी है कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत उपयोगी है, उसके कुछ पैचेस में एमपी में, मतलब एमपी की सारी मृदाओं में, पूरी ब्लैक नहीं है लेकिन कुछ पैचेस में। आगे क्या है क्वेश्चन, विच मेक इट सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ स्टेट इन इट्स प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू 2020-21, मतलब कि 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन में, कॉटन प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के पेचे जो इसे कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाते हैं, 2020-21 के अनुसार इसके उत्पादन में राज्य की स्थिति क्या है, क्या छठवीं पोजीशन है, सातवीं है, आठवीं या नौवीं है, उत्पादन के हिसाब से बताओ भाई मध्य प्रदेश की कॉटन प्रोडक्शन में कौन सी पोजीशन है। सचिन बमोरिया, बी सातवीं पोजीशन। देखते हैं भाई क्या होगा। देखो दो वेराइटियां इसकी, कौन सी, एक J34, H4 का नाम आपने सुन रखा होगा, HS6 है, और DSH करके DCH32। ये मोस्ट प्रॉमिसिंग वेराइटी है, मतलब ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है। बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन बी, और कोई, देखो प्रोडक्शन की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का सातवां स्थान है, मतलब आपका ऑप्शन आंसर सही था। एरिया की बात करूं तो एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश की आठवीं रैंक है, प्रोडक्शन के हिसाब से सातवीं है, और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से छठवीं रैंक पे। देखो आर्यो में आपका प्रश्न आया था ग्राउंडनट का, अब चूंकि कॉटन भी एक मेजर क्रॉप है लगभग मध्य प्रदेश के, तो ये देख लो कि क्या इसकी पोजीशन है। आगे चलते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन फाइबर, मतलब कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कपास फाइबर की उच्चतम उत्पादकता वाला है। उत्पादकता पूछा है ना, प्रोडक्शन पूछा है ना, एरिया पूछा है, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा या अलीराजपुर, क्या होगा इसका आंसर, गेस करो क्या होगा, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा या अलीराजपुर। अच्छा बी, अच्छा चलो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे बड़ा डाउट आपको यह है कि खरगोन में कपास का उत्पादन काफी होता है, लेकिन क्या है वो एरिया और प्रोडक्शन में अग्रणी है, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो है आपका छिंदवाड़ा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा छिंदवाड़ा। और यदि आपसे एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें आपको बताना है खरगोन अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज लीडिंग इन सोयाबीन के एरिया, अब यहाँ पे और बात पे गौर करना है कि सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है, सोयाबीन के एरिया की बात कर रहा है, तो क्या इंदौर है, उज्जैन है, आगर मालवा या हरदा है, इस प्रश्न का आंसर तो भाई आपको देना पड़ेगा। बताओ क्या है, मतलब सोयाबीन में मैक्सिमम एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है मध्य प्रदेश में, किसका है भी? अच्छा देखो, एरिया है सबसे ज्यादा सोयाबीन का उज्जैन में, का किसका है, उज्जैन में, फिर प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में आपका इंदौर है, इंदौर की लगभग प्रोडक्टिविटी कितनी है 1400 केजी तक, वहीं पे उज्जैन में इसकी प्रोडक्टिविटी जाती है 500 से 600 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, एरिया ज्यादा होने के बाद भी उत्पादन उज्जैन में कम होता है सोयाबीन का। आगे चलते हैं, क्या है, मध्य प्रदेश प्ले अ मेजर रोल इन फीडिंग द नेशन, मतलब इंडिया के इसमें खाना खिलाने, मतलब एक प्रकार से सीरियल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश एक मेजर रोल प्ले करता है, तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ स्टेट इन ओवरऑल सीरियल प्रोडक्शन,
मतलब सीरियल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की हमें रैंक बतानी है। मध्य प्रदेश देश का खिलाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। समग्र अनाज उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवा? देखो यूक्रेन वगैरह वार वगैरह हुए तो सीरियल और वीट की बात होने लगी, तो इसलिए मैं प्रश्न लेके आया हूं। तो बताओ कि कौन सा स्थान है टोटल सीरियल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का? सुरेश बंडोट, बी। अच्छा, बी मतलब कि थर्ड। ओके भाई, देखते हैं क्या है। और कोई? बी, सचिन बमोरिया, बी। अच्छा, काफी लोग बी बता रहे हैं, चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा। और कोई हो? देखो आप लोग सही जा रहे हो, इसका आंसर होगा बी, थर्ड पोजीशन पे। और जो आपका उत्तर प्रदेश है वो है टॉप पे, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना है कि पंजाब हरियाणा वगैरह सीरियल प्रोडक्शन में ज्यादा होंगे, वो है, पर किसमें? वो एक्सपोर्ट या तो फिर उत्पादन वहां करते हैं लेकिन वहां पे कंज्यूम नहीं हो रहा, तो अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने में पंजाब हरियाणा का भी योगदान है। तो कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट पे यूपी है और थर्ड पे आपका एमपी है। आगे चलते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज लीडिंग इन टोटल वीट प्रोडक्टिविटी, मतलब मध्य प्रदेश का जिला जो गेहूं उत्पादकता में अग्रणी है। अब यहाँ पे और बात पे ध्यान देना कि ना प्रोडक्शन की बात करिए ना एरिया की बात करिए, यहाँ बात करी गई है आपके प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी बताना है कौन सा मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट अग्रणी है, उज्जैन, विदिशा, सिंगरौली या इंदौर? चार ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पे, इसका आंसर करो क्या होगा। प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्टिविटी मतलब कि पर यूनिट हेक्टेयर कितना हमें यील्ड मिल रही है, तो मतलब जहां पे मैनेजमेंट ज्यादा होगा, या तो दूसरी बात एरिया कम होगा। जब एरिया कम होता है तो वहां पे मैनेजमेंट थोड़ा इजीली हो जाता है, तो हो सकता है उस जिले का नाम आपने कभी ना सुना, मतलब प्रोडक्शन वगैरह में ज्यादा ना सुना हो। कभी ना सुना है तो होगा नहीं, क्योंकि जीके वगैरह पढ़ते ही होंगे। अच्छा, बी हेमंत लोवंशी, बी सचिन बमोरिया, ए अजय सिंह राजपूत, बी। अच्छा देखो, विदिशा का भी काफी नाम है, पर क्या नाम है वो अभी देखते हैं। चलो डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली की जो प्रोडक्टिविटी है वो एमपी की प्रोडक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। क्या है? देखो आ गया था। तो जो आपके सिंगरौली है इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उत्पादकता सिंगरौली की सबसे ज्यादा है, लेकिन विदिशा क्या है? एरिया में टॉप पे एमपी में। फिर प्रोडक्शन में टॉप पे कौन सा स्टेट है बताओ, किसी को पता है? प्रोडक्शन में, वीट प्रोडक्शन में कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका टॉप पे एमपी में, वो है आपका उज्जैन। तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से जिले में होता है? उज्जैन में। और आपका एरिया में कौन सा? विदिशा। और प्रोडक्टिविटी में सिंगरौली। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? रिसेंटली सीएम अनाउंस अबाउट एनिमल एम्बुलेंस अंडर द पशु चिकित्सा इकाई योजना। इस योजना का मैंने जिक्र किया था जब आपको बजट वाली क्लास बताई थी, जिसके लिए कितना प्रावधान किया था? 150 करोड़ का। उस योजना के अंतर्गत एनिमल एम्बुलेंस लॉन्च करने का प्लान है मध्य प्रदेश में। तो ये बताना है कि ये किस स्तर पे चलेगी, मतलब हाल ही में सीएम ने 2022-23 के बजट में उल्लेखित पशु चिकित्सा इकाई योजना के तहत पशु एम्बुलेंस के बारे में घोषणा की थी। तो आपको यह बताना है यह किस स्तर पे चलेगी, क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एम्बुलेंस, दो एम्बुलेंस होगी, ब्लॉक लेवल पे होगी, पंचायत लेवल पे होगी, या डिविजनल लेवल पे होगी, मतलब संभाग स्तर पे होगी। तो इसका आंसर दो, किस स्तर पे होगी। न्यूज में भी पढ़ा होगा तो आप लोग बता दोगे। बी, सूरज मंडल, बी सही आ रहे हो। और कोई? क्या होगी? ब्लॉक लेवल पे होगी। इसका आंसर आएगा आपका ब्लॉक लेवल पे। और ब्लॉक लेवल पे क्या किया जाएगा, हर ब्लॉक को लगभग 2 एम्बुलेंस दी जाएगी, जो पशु बीमार पशु है उनके घर तक जाई जाएगी एम्बुलेंस के थ्रू, उनका इलाज किया जाएगा, या तो फिर यदि रिक्वायरमेंट रही तो ब्लॉक हॉस्पिटल में उन्हें लेके आया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? अच्छा, वेब पोर्टल विच इज डेडिकेटेड टू कनेक्ट हॉर्टिकल्चर फार्मर एंड डीलर्स वाया ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा ऐप जो क्या फैसिलिटी देता है हॉर्टिकल्चर किसानों को, डीलर के साथ लिंक करवाता है, उनकी फसल को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो आपको उस वेब पोर्टल का नाम बताना है। उस वेब पर ऑप्शन है आपके सामने, किसान मित्रा, किसान मार्ग, किसान सभा या किसान मोहन। फिर थोड़ा सा देखते हैं ऐप क्या है।
करो कोई कमेंट, पढ़ाई क्या? देखो आजकल न्यूज में काफी चल रहा है इसका, इसी से रिलेटेड है क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का, पहले उस पोर्टल का नाम बताओ फिर हम आगे बात करते हैं। कौन सा पोर्टल है जिसके ऊपर सारे किसानों को डाटा फीड किया जाने वाला है? हेमंत लोवंसी ए, अच्छा किसान मित्रा, चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। वो है आपका कौन सा वेब पोर्टल है, तो आपका किसान सभा एक ऐसा वेब पोर्टल है जो 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है। वो ये काम करता है कि किसानों को जोड़ता है आपके मंडी डीलर से, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर मध्य प्रदेश के किसानों का डाटा अपलोड किया जा रहा है और साथ ही साथ में कंज्यूमर का डाटा भी अपलोड किया जा रहा है। जैसे मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है आपका इंदौर और ये आपका है उज्जैन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के किसान मंडी कंज्यूमर इनको एक इंटरफेस पे लाया जाएगा। जैसे मान लो कि यदि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में किसी फार्मर के पास पे पपाया की अवेलेबिलिटी है, तो आप डायरेक्ट घर बैठे बैठे वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट भेज दोगे कि हमें इतने पपाया चाहिए, तो वाया इस ऐप के रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से आपको वो क्रॉप अवेलेबल हो जाएगी। तो लगभग हो गया ना आज, ठीक है देखते हैं और आगे क्वेश्चन अच्छा बचा है। अच्छा बताओ रिसेंटली नोटिस्ड चिली थ्राइप, कौन सा थ्राइप, एक नया थ्राइप आया है आपका, थ्राइप परविपेनस, विच इन्वेसिव टू इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर लॉस इन आंध्र प्रदेश एंड इट्स इन्वेड फ्रॉम, मतलब कि हाल ही में देखा गया मिर्च थ्रिप, क्या है उसका नाम, थ्रिप्स परविपेनस, जो भारत के लिए आक्रामक है और एपी के बड़े मतलब आंध्र प्रदेश के बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार है, उस पर आक्रमण किया जाता है। मतलब कि ये किस देश से आया है, ठीक है तो कहां से आया है ये, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या फिजी, मतलब ये बताना कि ये जो थ्रिप है ये इंडिया में किस कंट्री से आया है। जैसे आपने क्रॉप पढ़ी, कुछ डिजीज पढ़ी होगी कि कोई फिजी से आई, श्रीलंका से आई, तो उसी तरीके से बताना है कि ये जो थ्रिप है किस कंट्री से इंडिया में आया है। देखो आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मेजर लॉस किया है इस थ्रिप के अटैक के कारण। क्या होता है जब ये थ्रिप अटैक करता है तो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं आपके, फ्रूट का थोड़ा सा माल फंक्शनिंग हो जाएगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी मिर्चियां हो जाएगी, फ्लावर उसके झड़ जाएंगे और कभी कभी जो उसके फल है वो भी झड़ जाते हैं। तो ये बताओ कि कौन से देश से आया था। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि 2015 में इसे सबसे पहले नोटिस किया था, किसमें, पपाया में। तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि पपाया के अंदर भी ये थ्री अटैक करता है, साथ ही साथ में एक आपकी डहलिया जो क्रॉप है फ्लावर के उसके ऊपर भी अटैक करता है, और भी कई क्रॉप है। और अभी ये देखा गया कि आपका जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला रीजन है वहीं पर है, मतलब मध्य प्रदेश में चिली क्रॉप पे नहीं नोटिस किया गया, पता है किसी को? तो देखो क्या है, कहां से आई ये, इंडोनेशिया से। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले थ्रिप इंडोनेशिया में देखा गया था, वहां पे उसने कुछ क्रॉप लॉस किया और आज ये इंडिया में भी है। कहां पे, आंध्र प्रदेश रीजन में मैक्सिमम हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई है उस कारण इस थ्रिप ने, इस थ्रिप का, कौन से थ्रिप की स्पीसीज, परविपेनस, इस थ्रिप का अटैक ज्यादा हुआ और यील्ड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बताओ श्वेता 96 इज व्हाइट कलर्ड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, श्वेता 96 सफेद रंग की किस्म किस फसल की है? पढ़ा होगा आपने, दहलिया की है, जिंजर की है, आपके रोज की है या मारीगोल्ड की, जिंजली मतलब आपकी तिल, इसका ऑप्शन दो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, श्वेता 96 देखो बहुत फेमस वेराइटी है आजकल, एक काफी चर्चा में, दो तीन जगह इसका जिक्र हो चुका है। बताओ नाम से लग रहा है श्वेता मतलब कैसी है, व्हाइट कलर है, व्हाइट है, ठीक है ये क्लियर हो गया। अब ये बताओ कि निम्न में से कौन सी क्रॉप की है श्वेता 96 वेराइटी है, किसी को पता हो तो कमेंट करो, ए बी सी डी। अच्छा देखो ये वेराइटी है आपकी जिंजली या तिल की, ठीक है। तो शायद लास्ट ही क्वेश्चन, अच्छा टाइम भी हो गया, तो ठीक है फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन में, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आऊंगा। तो बस जुड़े रहना मालवा अकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।